नमस्कार, मैं उड़ीकेश और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेलवे में कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव का गुरुवार को बयान दर्ज किया। पछुआ के प्रचंड वेग और सूरज की तल्खी किरणों के प्रभाव से सुबह में लू जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग केंद्र पटना ने गुरुवार को ताजा स्थिति के अनुसार पूर्वानुमान कर 15 अप्रैल से सुबह में हीट वेग यानी लू की चेतावनी जारी की है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को झांसी के पास मुठभेड़ में मार गिराया। 5-5 लाख रुपए के दोनों इनामी बदमाशों ने भी पुलिस पर कई राउंड फायर किए। पुलिस ने दोनों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, अगली बार यहां भाजपा की सरकार बनेगी और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत हुई तो पुलिस अपराधियों का इनकाउंटर भी करेगी। नेपाल और आसपास के बिहार के इलाकों में लगातार भूकंप के हल्के झटके नजर आ रहे हैं। भूकंप शोध वैज्ञानिकों की नजर में यह बड़े खतरे का संकेत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हम के संरक्षक जीतन रामबाजू ने नई दिल्ली में मुलाकात की। मौजूदा सियासी हलचल के बीच महागठबंधन के घटक दल का मुखिया होते हुए भी एनडीए के मुख्य दल भाजपा के प्रमुख नेता से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सुपौल जिले में फायर स्टेशनों की हालत ठीक नहीं, संसाधन और कर्मियों की कमी के बीच महज 17 फायर वाहनों के सहारे जिले के 30 लाख की आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आगे अधिकारियों की माने तो आबादी के हिसाब से एक फायर स्टेशन में कम से कम दमकल की 4 बड़े वाहन होने चाहिए, लेकिन जिले के सभी 4 फायर स्टेशन में महज 2-2 बड़े वाहन उपलब्ध हैं। कुसा पंचायत के मछा स्थित आश्रम में गुरुवार को संतवत के वर्तमान आचार्य हरगंदन प्रभंस जी महाराज की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में महर्षि में ही आश्रम परिसर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं से दीक्षा ली। त्रिवेणीगंज पुलिस ने विद्यानंद कुमार हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। थाना परिसर में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ विपिन कुमार ने हत्याकांड का खुलासा किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि देश का निर्यात बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 6% बढ़कर रिकॉर्ड 447 अरब डॉलर रहा। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, औषधि, रसायन तथा समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन से निर्यात अच्छा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।